हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपना डेली रूटीन आपको बताऊंगी, डेली में क्या क्या करती हूँ सुबह से लेके अभी। बोजो उठ गया है, उठ के साफ सफाई कर रहा है। बोजो जल्दी साफ करो। ईशा भी स्कूल जाएगी तो मैं ईशा के लिए बना रही हूँ ऑमलेट खा के जाएगी वो, और बोजो उसके बाद खाएगा। ईशा को तैयार भी करना है। ईशा के ऑमलेट में कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ नमक और अंडा और कुछ भी नहीं। ईशा को पहले तैयार करना है, उसके बाद जाके उसको देना है खाना। अभी बजा है 8:30 और मैं जा रही हूँ प्रीशा को स्कूल छोड़ने। आज प्रीशा हाय कर दो। हाय। बोजो भी मेरे साथ जा रहा है और मुझे लग रहा है कि बारिश भी होगा आज। बाय 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 बाय। अभी मैं बना रही हूँ ऑमलेट को साथ वो भी खाएंगे, क्या उसको बोलते हैं, सूखे मटर जो होते हैं ना, उसको रात भर भिगा के रखा था, मटर करी बोलते हैं उसको, मटर करी खाएंगे। और वो जो यहाँ पे एक कपकेक पकड़ के बैठा था और हम खाएंगे ऑमलेट। बोजो का ऑमलेट रेडी है, वो बस ठंडा हो जाए, उसके बाद में बोजो को दे देंगे अंडा। हमारा मटर करी तो अभी हो गया, अभी हम इसको सर्व करेंगे। कैसे सर्व करेंगे? इस पे थोड़ा सा ऑनियन डाल देंगे, ठीक है? आप अगर मिर्ची चाहे डाल सकते हो, और एक लेमन स्क्वीज कर देंगे। हो गया चाट मसाला। ऑमलेट के साथ करो बाबा। टेस्टी अभी बनाएंगे हम एक करी। अंडे को मैंने बॉईल कर दिया है, अंडा और आलू, इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, और मैंने वहाँ पे राइस पे बिठा दिया है और यहाँ पे पैन रख दिया है। डालेंगे मस्टर्ड ऑयल,
अभी उसी बॉल में रखेंगे थोड़ा सा दही। आप अगर ज़्यादा अंडा कर रहे हो, अंडा करी आपका ज़्यादा बनना चाहिए, आप अगर वैसा चाहते हो तो आप ज़्यादा दही डाल सकते हो। मुझे इतना ही चाहिए, मैं इतना ही डाल दूँगी। दही में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। और वहाँ पे आपको अंडे को अच्छे से देखना भी पड़ेगा, अंडा नहीं तो जल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा हल्दी। ये जब सब डल जाए उसके बाद थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर मिला के इसको अच्छी तरह से फेंट के एक साइड में रख दीजिएगा। हमारे यहाँ पे एग और वो आलू, वो दोनों फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से, उसे भी साइड में रख दीजिए आप। अभी काटना है प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से काटना है छोटे 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 स्लाइस करके। छोटे छोटे स्लाइस करने के बाद ये सब जाएंगी कढ़ाई में, कढ़ाई में फ्राई होंगे तेल में। और मैं कढ़ाई में कुछ तेल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में करती हूँ, और अंडा जिसमें फ्राई हुआ था ऑलरेडी उसमें तेल है थोड़ा सा, तो उसी में ही फ्राई हो जाएगा, तो और एक्स्ट्रा तेल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। पे दो ग्रीन चिल्ली को आपको कट करना है ऐसे छोटे छोटे राउंड वाले शेप में, जिसमें करी में अगर आप डालोगे तो अच्छा दिखेगा। अगर आपके बच्चे खाते हैं तो आप ये पूरा स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक करी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, सिर्फ बॉयल एग खाते हैं। तो मैं डाल रही हूँ मिर्ची, और टमेटो, मेरे पास चेरी टमेटोज़ हैं इसीलिए मैं चेरी टमेटोज़ डाल रही हूँ, चार पांच। आप इसको पूरा स्किप भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा खट्टा खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा खट्टा पसंद है, तो मैं चेरी टमेटोज़ डाल रही हूँ। पर दही अगर आप डालोगे, मतलब दही से अगर आप कोई कढ़ी बना रहे हो तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा खट्टा होता है, तो आप टमेटो को पूरा स्किप कर सकते हो। यहाँ पे कढ़ाई में टमेटो और प्याज और मिर्ची तीनों अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक डालने से वो टमेटोज़ थोड़ा स्मैश हो जाते हैं जल्दी, तो थोड़ा सा नमक डाल के फिर से भुनना स्टार्ट करूँगी मैं।
का कलर रेड रेड आता है, तो मैं हमेशा तेल में ही डालती हूँ रेड चिली पाउडर। उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर डालेंगे एक या दो तेज़पत्ता, तेज़पत्ता उसमें डाल के थोड़ा सा भुनेंगे। कंटिन्यूसली मिलाते रहना है। हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ना स्टार्ट हो रहा है इसका। कसूरी मेथी डाल के फिर से थोड़ा सा भूनना है। मसाला हमारा पूरा हो गया है, अभी हम डालेंगे जो फ्राई किया हुआ अंडा और आलू है उसको डालेंगे। एक और आलू डालने के बाद थोड़ा सा भुनेंगे उसको। ये तो मसाला तो ऑलमोस्ट हो गया है, इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के उसको ढक देंगे और 15 मिनट में हमारा एक करी तैयार होकर रह जाएगा।
गैस को बंद करके हम चले जाएंगे बोजो को उठाने के लिए। बोजो बहुत टाइम हो गया सो रहा है, अभी उसको उठाएंगे फिर वो खाना भी खाएगा। हमारा एक करियर हो गया, अभी हम बंद कर देंगे गैस को। अभी हमारा एक करी रेडी हो गया है। यहाँ पे बोजू सोया हुआ है, उसको थोड़ा उठाती हूँ, वो खाना भी खाएगा। बोजू बोजू उठो उठो, चुन्नू हो चुन्नू, उठा उठा उठ जाओ बोजू बानी। अभी बोजो खा रहा है एग और राइस दाल। बोजो हाँ करो। मामा आ गया, हम को दो, हम हाय कर दो, हाय हाय मामा। पिजोन बोलो, तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो बेटी? आंख दियो, आंख दियो, हाय। अरे बाप रे, एक का है बाबा, एक हो प्रिशा आ गई है यहाँ पे स्कूल से, और उसके पापा गए थे लाने के लिए। प्रिशा कौन गया था तुम्हें लाने के लिए? पापा गए थे, और आते ही ये दोनों का बदमाशी स्टार्ट हो गया। वो एक बच्चा उसके अंदर, बोजो भाया भाया, बोजो बाहर आओ, बाहर आओ। फिर से बोजो को बदमाशी करने के लिए कोई नहीं मिल रहा था, जब प्रीशा आ गई तो उसका स्टार्ट हो गया बदमाशी। अभी शाम का चाय का टाइम है, मैं और मेरे हस्बैंड अभी बैठ के चाय पियेंगे। मेरे हस्बैंड मछली लेके आए हैं, मछली फ्राई होगा तो खाएंगे अभी। रात के 9 बजे हम लोग पखाल और मछली खा रहे हैं, वो भी पूरा ठंड में। यहाँ पे प्रीशा भी पूरा मज़े से खा रही है, इतने दिन के बाद ऐसा फिश मिला प्रीशा को। हाँ या ना प्रीशा? तो हम सो रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो बहुत करना। बाय बाय।